हेलो एवरीवन। तो यार आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर का आप सभी ने नाम सुना होगा। ये गुड न्यूज़ यार सिर्फ जो भी लोग छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए है। तो आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है यार कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर के नाम से जिसको हम जानते हैं उसका पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप उसके लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक का भी यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग देख लेते हैं कैसा इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 35% सीट इन्होंने बोली है कि ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रिजर्व्ड रहती हैं, जिसमें कि हम लोग जोसा काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं। इट्स मीन कि वो ऑल इंडिया कोटे के लिए, इट्स मीन कि वो अदर स्टेट वाले के लिए। 15% सीट्स उन एम्प्लॉय के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं जो एनटीपीसी में अभी ऑन वर्किंग है, ऑन गोइंग है, ठीक ऑनवर्ड हैं। और उसके बाद 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड 10th एंड 12th फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो जिसने 10वीं और 12वीं दोनों की क्वालिफिकेशन उस स्टेट से कर रखी है तो उसके लिए वो एलिजिबल होता है। इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो इस पर आपको वीडियो रेयरली यार बहुत कम मिलेगा। तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर पर आप सारे लोग अप्लाई कर दो। अब मैं बोलूँगा जो जो एलिजिबल है वही अप्लाई कर सकता है, जो अदर स्टेट से है तो उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि वो अपना भाई जोसा का वेट करे और जोसा की कट ऑफ पे यहाँ पर अप्लाई करे। अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10th 12th का क्वालिफिकेशन सिर्फ छत्तीसगढ़ से होना चाहिए, देन कन्फर्म है। बाकी यहाँ पर मेरिट लिस्टिंग के बिहाफ पर, जेई के स्कोरिंग के बिहाफ पर ही यहाँ पर एक लोकल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, उसके बिहाफ पर अलॉटमेंट की जाती है। 50% सीट का जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और इज मतलब तीनों का 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप जनरल हो, EWS हो, इन केस अगर आप SC या ST या OBC या PWD किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपका 45% भी 10+2 में होगा तो देन चलेगा। अब 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फॉर्म फीस आई है। तो मैं बोलूँगा आपकी कितनी भी यार लो हो या कितनी भी कम परसेंटाइल हो, कितना भी लो स्कोरिंग हो तो आप एक बार ज़रूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांचेज आप सभी को मिल जाती हैं। अभी हम डिटेल्ड में इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका बीटेक के साथ CS ब्रांच मिल जाता है, ECE ब्रांच मिल जाती है और बीटेक आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप इसको देखोगे कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया रायपुर छत्तीसगढ़ के नाम से ये है, इसको हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखो कोलेब्रेशन आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड NTPC, तो देखो ज्वाइंट इनिशिएटिव यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2013 में हुई थी। तो मैं बोलूँगा कि 11-12 ईयर तो इसको ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ का कैंपस एरिया भी 50 एकड़ का है और देन इसकी काउंसलिंग में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस बन सकता है। एक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जो 50% सीट भी रिजर्व्ड है छत्तीसगढ़ वाले के लिए, स्टेट कोटे के लिए, उसमें से 30% वुमेंस के लिए रिजर्व्ड है, इट्स मीन की फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसके 5% सीट PWD के लिए हैं, 3% सीट फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट के लिए हैं और देन 5% सीट आपका एक्स सर्विसमैन जिनके फादर मतलब रिटायर्ड वगैरह होते हैं उनके लिए ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर। तो आप इसको भी अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी प्रूफ वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारा का सारा ब्रोशर यहाँ पर अवेलेबल होगा। एलिजिबल वही लोग होंगे जिन्होंने 19, 20, 21 में जिसने अपियर किया होगा, इट्स मीन कि वही कैंडिडेट ही जेई दे सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टेड है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ के लिए ज़रूर अप्लाई करिए जिसका होम स्टेट है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आप देख सकते हो। इसके एडमिशन प्रोसेस अभी यही है कि अभी आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर आपको 75,000 पे करना होता है। इसका यार काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट वगैरह भी है, दैट्स वाई कि मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। तो अभी आपको जो फर्स्ट ईयर में पे करना होगा 1,26,145 एंड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको पे करना होगा 1,06,695, तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी इनका रिसेंट में शेड्यूल आया है तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ के लिए एक बार आप ज़रूर प्लान आउट करो तो बहुत ही जल्द जो भी आपको अपडेटेड डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा कि कब इनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा या लास्ट डेट कौन सी है।
तो अभी तो उनका ऑन गोइंग है यार, बस चले जा रहा है चले जा रहा है, तो फॉर्म अप्लाई कर दो, अभी के लिए फिलहाल यही अपडेट है। तो अगर आप थोड़ी सी प्लेसमेंट चेकआउट करना चाह रहे हो ट्रिपल आईटी नया रायपुर की, तो इसका 100% प्लेसमेंट्स रहते हैं ऑलमोस्ट। तो इन्होंने ये चीज़ मेंशन, मतलब जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो उनमें से आप ये बात करें कि इनकी 100% प्लेसमेंट रही थी। लास्ट ईयर 43 LPA के कैंडिडेट की प्लेसमेंट रही है 2020 में, उसके बाद में 12 स्टूडेंट और विजिटिंग अब्रॉड फॉर 6 प्रोजेक्ट, 16 स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन डिलाइट USI कंसल्टिंग एंड 2 स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन अमेरिकन एक्सप्रेस। तो इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेट है। 4 स्टूडेंट आपके DRDO में भी गए हुए मेजर प्रोजेक्ट को लेकर 6 मंथ के लिए। तो फैकल्टी वगैरह भी अगर आप देखोगे प्रोफाइलिंग वाइज तो बहुत ही डिसेंट है, तो मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ में यार तो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। इन सबका प्रोफाइलिंग भी अगर आप देखोगे तो सारे IIT से PhD होल्डर हैं, दैट्स वाई कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए बन सकता है। प्लेसमेंट भी वाइज बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया रिसर्च के साथ में। और यहाँ पर कंपनीज बहुत ढेर सारी विजिट करती हैं, आप देख सकते हो, बिकॉज ये देख सकते हैं आप, ये इनका रेशियो रहा था, इस तरह से इनकी प्लेसमेंट्स वगैरह होती रहती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।